सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के संबंध में। जैसा कि हमने पिछले बार जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण सिद्धांत था उसके बारे में, तो श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण जो है जब हम इनको हल करते हैं तो उसमें से हमें तीन संख्याएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। ये संख्याएं जो हैं हमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका संवेग और उसकी स्थिति जो है उसको बताने में मदद करती हैं। इन क्वांटम संख्याओं को हम मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी क्वांटम संख्या जिसको बाद में जोड़ा गया उसको हम चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो कहते हैं। इन क्वांटम संख्याओं को हम क्रमशः n, l, m व s इन प्रतीक से जो है वो हम दर्शाते हैं। और ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं ये मिलकर इलेक्ट्रॉन की क्रमशः ऊर्जा, उसका संवेग, उसकी स्थिति एवं उसकी स्पिन जो है उसको निर्धारित करती हैं। इस क्वांटम संख्याओं के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं जो हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि जैसे एक पत्र जो है अगर उसको निर्धारित स्थान पर पहुंचाना है तो उस पत्र के पीछे जो एड्रेस लिखा जाता है उसमें चार बातें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। पहला उस व्यक्ति का नाम, दूसरा उनकी मकान संख्या, तीसरा मोहल्ला लोकेलिटी इत्यादि, और चौथा जो है उस शहर अथवा गांव का नाम। तो ठीक इसी प्रकार से किसी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की यदि हमें पहचान करनी है तो उसके लिए भी ये चारों बातों का ज्ञान जो है वो होना जरूरी है, जो कि चार क्वांटम संख्याओं के रूप में है। अब हम सबसे पहले लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह नाभिक के चारों ओर स्थित कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। इसे हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं और n का जो मान है वो 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और इनको हम जो है k, l, m, n नाभिक से शुरू करते हुए हम इनको इस रूप में इसको दर्शाते हैं। यानी कि जो प्रथम कोश होगा उसको हम k से प्रदर्शित करेंगे, द्वितीय कोश को l से, तृतीय कोश को m से, तो इस प्रकार से हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। अतः मुख्य क्वांटम संख्या में किसी परमाणु के आकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि n का मान जितना अधिक होगा उस जो है कक्ष का जो आकार है वो उतना ही अधिक होगा। एक मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो हम दे सकते हैं 2n² से। यानी कि एक कक्ष के अंदर अगर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो फॉर्मूला होता है 2n² और एक मुख्य कक्ष में कक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो हमें पता लगता है n² से। और किसी मुख्य कक्ष में कुल कितनी संख्या में उपकक्षक हो सकते हैं वो बराबर होते हैं n के। तो जैसे अगर एक अपन उदाहरण देखें, मान लीजिए n का मान 2 है यानी दूसरा कक्ष है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि 2n² के फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वो 8 हो सकती है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s², 2s², 2p4। कक्षकों की संख्या जो n2 के लिए वो होगी कितनी, 4 n² के हिसाब से, और वो होंगे s कक्षक, px, py एवं pz। इसी तरह से जो इसी तरह से जो द्वितीय कक्ष है उसमें उपकोश की संख्या 2 होगी s एवं p के हिसाब से।
अब हम बात करते हैं एज्यूमिथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं को समझाने के लिए सर्वप्रथम इसको सोमरफील्ड ने दिया था। यह क्वांटम संख्या हमें जो मुख्य कक्ष है, जो प्रिंसिपल हमारा ऑर्बिट जो है, उसके अंदर उपस्थित उपकोष के प्रकार, उसकी आकृति और इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को समझाती है। यानी कि जो मुख्य ऊर्जा कक्ष है उसमें जो उपकोष हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या आकृति है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षीय जिस कक्षा में घूम रहा है तो उसके कोणीय संवेग के बारे में ये हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसको हम L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और L का जो मान है वो सदैव M के मान पर, L का मान जो है वो N के मान पर निर्भर करता है। N का मान अगर एक है तो L का मान जो है वो ज़ीरो होगा, और यदि अगर L का मान दो है तो माफ़ कीजिएगा, यदि N का मान दो है तो L का मान ज़ीरो और एक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि L के जो कुल मान हैं वो N के मान के बराबर होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से लेके N माइनस वन के बीच में होती हैं। जब L इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हम उसको S उपकोष कहते हैं। L इज इक्वल टू वन होगा तो वो P उपकोष होगा। L इज इक्वल टू टू है तो D सब ऑर्बिट या सब शेल जिसको हम कहते हैं वो होगा, और अगर L इज इक्वल टू थ्री है तो वो F सब शेल जो है वो होगा। N का मान अगर चार है तो हम कह सकते हैं उस केस में टोटल वैल्यूज़ ऑफ L जो है वो भी चार होंगे, और वो वैल्यूज़ होंगी ज़ीरो, एक, दो एवं तीन। और यदि हम उसको दर्शाने की बात करेंगे तो उसे हम दर्शा सकते हैं 4s, 4p, 4d एवं 4s, 4f से। तो ये कुल मिलाकर चार जो हैं वो इसमें उपकोष होते हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो उसके कक्षीय कोणीय संवेग का मान जो है उसका सूत्र होता है h अपॉन 2 पाई अंडरवुड l इंटू l प्लस 1। इसी तरह से एक l उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी संख्या का मान भी जो है हम इस सूत्र से दे सकते हैं, जो है 2 इंटू 2 l प्लस 1 के द्वारा। और एक उपकोष l में कुल कितने कक्षक हो सकते हैं उसकी संख्या हम दे सकते हैं 2l प्लस 1 के हिसाब से। तो इस तरह से दिगंशी क्वांटम संख्या से किसी कक्षक की आकृति का ज्ञान हमें होता है। देख सकते हैं L का मान जब ज़ीरो है तो कक्षक की आकृति जो है वो जो S कक्षक की आकृति है वो गोलाकार होती है। L इज इक्वल टू वन है तो कक्षक की आकृति जो है डंबल शेप की होती है। L इज इक्वल टू टू है अर्थात D कक्षक है तो उसकी आकृति जो होती है वो डबल डंबल शेप ही होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम M अथवा ML के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये क्वांटम संख्या जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को दर्शाती है। देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में जो है वो कक्षीय गति कर रहा है, तो नाभिक के चारों तरफ जब वो घूमता है तो उसके कारण से एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जब हम बाहर से कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अंदर उस चुंबकीय क्षेत्र में से किस प्रकार ओरिएंट होगा, या जिसको हम कहें किस प्रकार अभिविन्यासित होगा, इसके बारे में जो सूचना है वो हमें इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि M जो है उसके कुल मान जो होते हैं वो हमें पता लगते हैं 2L प्लस 1 के फॉर्मूला से, और उन मानों का जो का ग्रेडेशन है, उनका जो वैल्यूज हैं वो होती हैं माइनस L से 0 होते हुए प्लस L तक, अर्थात
टोटल वैल्यूज़ ऑफ m जो होंगी वो कितनी होंगी, 12+1, और उनके जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी माइनस एल से 0 और वहाँ से लेकर प्लस एल तक। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक s कक्षक है, एक s उपकोश है जिसके लिए l का मान 0 है, तो उसके लिए m की टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो भी जो है 0 होगी, मतलब m की टोटल वैल्यूज़ 1 होगी और उसका मान जो है वो 0 होगा। इसी प्रकार से p जो है उपकक्ष के लिए l इज इक्वल टू 1 होगा, वहाँ पर कुल 3 जो है m के मान होंगे और वो मान होंगे -1, 0 एवं +1। इसी प्रकार जो है जो हम देख सकते हैं l इज इक्वल टू 2, यानी कि जो d उपकक्ष है उसके लिए m के कुल मान जो होंगे वो 5 होंगे, जिसको हम 12+1 फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और वो मान क्या होंगे, वो होंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसी प्रकार से f उपकक्ष के अंदर यानी l इज इक्वल टू 3 जब होगा तो m के कुल मान जो होंगे वो 7 होंगे और इनका मान जो होगा वो क्या होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। जो m का प्रत्येक मान होता है वो एक कक्षक को दर्शाता है। s उपकोश में हम देखते हैं कि m का एक ही मान है, वो है 0, तो वो बताता है कि s उपकक्ष में एक ही कक्षक जो है वो हो सकता है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार p उपकोश में 3 कक्षक होंगे जो कि 3 निर्देशांक यानी कि 3 जो डायरेक्शंस हैं x, y एंड z इसकी ओर अभिविन्यासित होते हैं और इन तीनों कक्षकों को हम px, py और pz कहते हैं। प्रत्येक p ऑर्बिटल में यानी p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो p उपकोश है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो समाहित किए जा सकते हैं। अब हम बात करें जैसे d उपकोश की, तो d उपकोश के लिए l का मान जो होता है वो 2 होता है, तो इसके लिए m के कुल 5 मान होंगे और जो मान हैं वो हमें पहले हमने जिसके बारे में बात की थी -2, -1, 0, +1, +2 ये सब होंगे। इसी कारण से जो d उपकोश में कुल 5 कक्षक होंगे और 5 कक्षकों में से जो 3 कक्षक होते हैं वो 3 जो एक्सिस हैं उसके अंदर इन बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, यानी कि निर्देशांकों के मध्य में जो वो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अभिविन्यासित रहती है। इसको हम T2G टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो कि होते हैं DXY, DYZ तथा DXZ। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस होती है और बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि अलॉन्ग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं, जो कि निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, जिनको हम EG ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इसमें 2 ऑर्बिटल्स आते हैं DX2, Y2 एवं DZ2। तो इस प्रकार L का जब मान जब 3 होता है यानी जिसको हम कहते हैं F उपकोश होगा, तो M के कुल 7 मान होंगे और वो -3 से लेकर +3 जिसमें 0 भी शामिल है उस तक विस्तारित होते हैं। तो जो F कक्षक जो हैं मतलब F उपकोश में कुल 7 कक्षक होंगे और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो समाहित किए जा सकते हैं। इसके बाद में है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में बताया कि जो तीनों क्वांटम संख्याएं जो पूर्व में जिनके बारे में हमने बात की, इनको जो है हमने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें तीनों जो इनके तीनों के सॉल्यूशंस वहां से प्राप्त हुए, लेकिन ये जो चौथी क्वांटम संख्या है इसको बाद में गॉटमिट और यूलेनबेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष में घूर्णन की दिशा को बताने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या को दिया। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ 2 प्रकार की गति करती है, एक तो वो गति करती है जो कि उसकी कक्षा में गति होती है
और दूसरी गति होती है जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति होती है। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो है वो नाभिक के चारों तरफ दो प्रकार की गति करता है, एक वो जो है वो उसकी कक्षा में गति होती है और एक उसके अपने एक्सिस पर यानी उसके अपने अक्ष पर गति होती है, जिसके कारण से वो स्पिन मोशन जिसको हम कहते हैं वो उत्पन्न होता है। तो ये उसी स्पिन मोशन को जो है ये क्वांटम संख्या बताती है। अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार से चक्रण कर सकता है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है दक्षिणावर्त दिशा में यानी जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको हम ऊपर के और इंगित चिन्ह के द्वारा तीर के द्वारा जो है वो दर्शाते हैं, यानी कि जिसको हम अपसाइड एरो से उसको हम दिखाते हैं। इसे हम ms इज इक्वल टू प्लस हाफ से क्वांटम संख्या प्लस हाफ से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब चक्रण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है यानी वामावर्त दिशा में होता है तो उसे हम नीचे की ओर इंगित करते वाले तीर के द्वारा दर्शाते हैं, और इसके लिए ms इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस हाफ जो है वो वैल्यू उसकी होती है। इस प्रकार से किसी एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो विपरीत चक्रण वाले उसमें रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण की जो गति है उसके कारण जो संवेग उत्पन्न होता है उस संवेग का मान भी जो है हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग का मान जो होगा वो होगा h अपॉन 2 पाई अंडरवुड ms इंटू ms प्लस 1, और ये जो ms है ये स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या है। जैसा कि अभी हमने देखा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका मान जो है वो प्लस हाफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए माइनस हाफ होता है, और h जो होता है यहाँ पर प्लैंक स्थिरांक या प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है। तो ये जो चारों क्वांटम संख्याएँ हैं ये मिलकर पूर्ण रूप से किसी भी इलेक्ट्रॉन की पहचान करने में हमारी मदद करती हैं। तो हम अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात हैं तो हम बिल्कुल सही सही उस इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति जो है उसको बता सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि हमारे पास में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और हम उसकी चारों क्वांटम संख्याएं बताते हैं, जैसा कि n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ है, यानी कि उसकी जो है मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 1 है और उसकी जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस हाफ है, प्लस 1/2 है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 2y1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हम लिख सकते हैं 2p y1 इलेक्ट्रॉन जो है, अर्थात जो पी द्वितीय जो है कक्ष के अंदर जो py कक्षक है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो समाहित है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को सही रूप में इन क्वांटम संख्याओं के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।